तो हे गाइस, वेलकम टू चैनल। तो कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं शिव टेंपल बावका, जो कि हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी तो ज़्यादा पब्लिक आई नहीं, क्योंकि दोपहर का टाइम है, इसलिए पब्लिक धीरे धीरे आ रही है। अभी आगे गार्डन बना है, नया गार्डन है, और आगे शिव की मूर्ति लगी हुई है, जो आप ग्रीन ग्रीन देख सकते हो, वो शिव मूर्ति। वहाँ भी आपको ले चलेंगे। पहले ये आपको पूरा जो टेंपल है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए, हम यहाँ जो मेन इसकी फ्रंट साइड है इस टेंपल की, वहाँ पे आपको ले चलता हूँ और फ्रंट साइड दिखाता हूँ। ये दाहोद में एकमात्र इतना बेहतरीन टेम्पल है, ये सबसे पुराना है। लोग कहते हैं कि सिर्फ एक रात में बनाया गया था ये मंदिर। तो चलिए आइए, हम इसकी फ्रंट साइड पर चलते हैं। ये आकृति देख सकते हैं, ये जो आप मूर्तियाँ देख रहे हैं वो बहुत पुराने समय की है। ये एक ही रात, आप सोचिए, एक ही रात में इतना बड़ा मंदिर इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, सोचने वाली बात है। पर ये तो है दाहोद का, ये बावका मंदिर। लोग दूर दूर से यहाँ पे इस बावका टेंपल को देखने के लिए आते हैं। तो चलिए आगे आइए गाइस, आपको मैं इसकी फ्रंट साइड दिखाता हूँ। देखने पर ही इतना आकर्षक लगता है ये बावका शिव टेंपल। यहाँ पे आइए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसकी फ्रंट साइड है। यहाँ से लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं। तो चलिए गाइस, अभी अंदर जाते हैं थोड़ा, और आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। चप्पल उतारनी पड़ेगी आपको यहाँ पे। तो चलिए आइए। सेठ केव छो, મજા માં? હા હા તમે અહીંયા જુરો છો? હા, અહીંયા જુરો છો? એકલા મંદિર માં જુરો છો? મંદિર માં એકલા દેખભાલ માટે રો છો તમે? ચોકી માટે છે ને? એકલે રહેવાનું અહીંયા જ છે તમારું? હા, કે મેરે દિવસ ના સામે આમ મેરે હશે। अच्छा, मंदिर ने सेवा करवा, मंदिर ने सेवा करो छो ने, तमे अहीं ना चौकीदार छो? सरकारी मंदिर नामे थई गयो छे मार भाई ने, गवर्नमेंट माय। हां हां, सरकारी मंदिर। બીજી કોઈ જાણકારી તમે આપવા માંગો છો? આ મંદિર કેટલું જૂનું છે? ઘણો જૂનો કહેવાય ભાઈ, મંદિર જૂનો ઘણો કહેવાય। હોવરનો માણા અમારા ડોહા ઉટાન હોવરના, તે કે મંદિર કોણ કહારનો છે એમ કે એમ। મતલબ એક જ રાત માં બનાવેલું મંદિર, જેવું દિવસ પડો એવો લોકો જતા રહ્યા, એવું કે? મતલબ સોચવા જેવી વાત એ છે કે આ મંદિર માં જે બધી આકૃતિ છે એ બનાવવું કેટલું મુશ્કેલ હશે ને, એક જ રાત માં બનાવવું? હા, એવું છે। લોકો ઘણા બધા લોકો અહિયાં ફરવા આવે છે, જૂના જમાના નો છતચુગ નો છે, શિવરાત્રી ભરાય, મેળો ભરા બરાબર, ઢોલ વાગે, નાસે, હાટડીઓ દુકાનો માંડે, એવું થાય, બહુ પબ્લિક થાય ભાઈ, બહુ પબ્લિક। હા, બહુ પબ્લિક થાય, બહુ દાહોદમાં બહુ જાણીતું મંદિર છે આ। હા, એ લોકો દૂર દૂરથી પણ અહીંયા આવે છે। હા, આવે આવે, દૂરથી આવે, ઘણા આવે, સેવા પૂજા કરવા બી હદો આવે ભાઈ। હા ચાલો, હા સાજો, અભી પૂજા પાઠ ચાલ રહી છે, જેસે કે આપ દેખ સકતો, દેખ્યો ये। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो, बाहर से एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस, और ये पार्किंग की पूरी फैसिलिटी यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे अपनी कार, गाड़ियाँ, जितने भी बड़ी गाड़ी हो आपकी, यहाँ पे पार्क हो जाएगी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पूरा एंट्रेंस है, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ से आप अंदर जाओगे तो आप पूरा एक्सप्लोर कर पाओगे मंदिर को। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए गाइस, जैसे कि पब्लिक थोड़ा बहुत आना शुरू हो गई है, तो यहाँ पे शिव टेंपल बावका का ये गार्डन बना है। गार्डन बिल्कुल न्यू है से, तो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठने की व्यवस्था है, और यहाँ पे बच्चों के लिए गार्डन बना है। नमो वर्ड वन ये पूरा नया बनाया है। तो आइए, यहाँ पे शिव की मूर्ति है, तो चलिए देखते हैं।
ये घूमने के लिए भी अच्छा है, आपको अपना टाइम अच्छे से बिता सकते हैं यहाँ पे आके। चलिए आपको ये शिव की मूर्ति दिखाते हैं, बहुत ही बेहतरीन मूर्ति है यहाँ पे। यहाँ पे कई लोग ये इस मूर्ति के साथ अपने अच्छे से फोटो घर पे ले जाते हैं, देखिए। आगे पूरा जो है ये पूरा वॉकिंग डिस्टेंस है, यहाँ पे आप वॉक करके पूरा अच्छा अपना समय निकाल सकते हो।